हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंजल होम आइडियाज़। तो आज मैं बनाने वाला हूँ 20 फीट × 25 फीट का घर का नक्शा। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्टडी प्लस, या फिर आप इसको बेडरूम भी रख सकते हैं। और इधर आपका हो जाएगा ये स्टेयर्स के बाद ये हो जाएगा आपका बाथ प्लस लैट, ये टॉयलेट कह सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका किचन और ये दूसरा बेडरूम हो जाएगा, उसी के साथ में ये तीसरा बेडरूम। तो आइए अब मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अपनी आउटर वॉल और उसी के साथ मैं विंडो की जो जगह है वो छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही मैंने सारी वॉल्स को हाईलाइट कर दिया है। उसके साथ ही फिर मैं आप विंडो कहाँ पे रहने वाली है उसको हाईलाइट कर देता हूँ, लाइक उधर। तो घर की एंट्री जो रहने वाली है वो रहने वाली है इधर से, तो आपका जो मेन गेट रहेगा वो इधर से रहेगा। तो स्टडी रूम और स्टेज के बीच में जो जगह रहने वाली है वो रहेगी आपकी 4 फीट 5 इंचेस। और ये जो रहने वाली है वो रहेगी स्टेयर्स की 6 फीट बाय 4 इंचेस। और जो आपकी जो स्टेयर्स की जो चौड़ाई रहने वाली है वो 3 फीट। तो स्टडी रूम की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 8 फीट 4 इंचेस और चौड़ाई रहेगी 8 फीट। ऐसी तो बात की देख लेते हैं, बात की जो लंबाई रहेगी 6 फीट और चौड़ाई रहेगी 5 फीट। तो ये हमारा हो जाएगा इधर ओपन स्पेस, या आप डाइनिंग भी रख सकते हैं, ड्राइंग हॉल भी बना सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये हो जाएगी आपकी किचन रहेगा आपका 6 बाय 6 का। तो सेकंड बेडरूम की जो साइज रहने वाला है वो 9 फीट बाय 9 फीट 5 इंचेस और ऐसे ही थर्ड बेडरूम का रहेगा 9 फीट बाय 9 फीट 4 इंचेस। तो कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपके कॉलम एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो ऐसे करके आपके कॉलम रहने वाले हैं। तो साथ ही मैं डोर ड्रॉ कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे इसमें 12। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ऐसे ही मैं डेली आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।